हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसान कमेटी की बैठक में पहुंचे। हरीश रावत ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। इस मौके पर हरीश रावत ने कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी सियासी हमला किया। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया है। इस समय कांग्रेस किसानों के साथ पूरी शिद्दत से खड़ी है। वैसे भी देश के किसानों के लिए अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, सारे निर्णय कांग्रेस के समय में लिए गए। कांग्रेस ने अच्छे निर्णय लिए और जो आज की सरकार है दिल्ली और देहरादून की, वो उन निर्णयों को बदल रही है, उलट रही है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा के संचालन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। राज्यसभा बलूनी ने विदेश मंत्री से अनुरोध किया कि हर साल लाखों लोग इस पवित्र यात्रा को कई मार्गों से करते हैं, मगर उत्तराखंड के मार्ग से लगभग 1100 श्रद्धालु ही यात्रा की अनुमति हासिल कर पाते हैं। अगर पिथौरागढ़ लिपुलेख से यात्रा शुरू होती है तो ये उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिकी की लाइफलाइन बन सकती है। बलूनी ने कहा कि पंतनगर और पिथौरागढ़ में हवाई अड्डों का विस्तार करके और पंतनगर से लिपुलेख तक ऑल वेदर रोड का निर्माण करके श्रद्धालुओं के लिए एक सहज और सुगम कैलाश मानसरोवर यात्रा का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग इस पवित्र यात्रा को अनेक मार्गों से करते हैं। अगर पिथौरागढ़ लिपुलेख मार्ग से भी यह यात्रा प्रारंभ हो सके तो उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिकी की लाइफलाइन बन सकती है। मेरा प्रयास है कि पंतनगर और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करके और पंतनगर से लिपुलेख तक ऑल वेदर रोड का निर्माण करके हम विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए एक सहज और सुगम मानसरोवर यात्रा का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं।